नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक बड़ौदा में जो ज्योत्सनामयम की स्मृति में शो आयोजित किया गया है, चलो काम करिए। ये वर्ड ज्योत्सनामयम हमेशा बोला करती थी, उन्हीं की याद में ये शो का आयोजन किया गया है। तो आप सभी का स्वागत है, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के जो भी एग्जीबिशंस हम बड़ौदा में देखते हैं वो दूसरे जगह के स्टूडेंट्स व दूसरे जगह के जो सिरेमिक आर्टिस्ट हैं वो देख पाएँ, इसी वजह से इस वीडियो को बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं ये ज्योत्सनामयम का जो स्टूडियो था वहाँ पे सिरेमिक सेंटर में, ये कैंप के जब शुरुआती दिनों में जब काम चल रहा था, उनका प्रिपरेशन चल रहा था, तो ज्योति भट्ट सर यहाँ उनके उस आयोजन में वो भी उन्होंने भी अपने एक प्लेट पे सिरेमिक का काम किया हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ये लगभग वहाँ पे सभी जो भी आर्टिस्ट वहाँ इनवाइटेड आर्टिस्ट थे उन्होंने वहाँ 15 दिन 20 दिन जो भी प्रिपरेशन में उन्होंने किया, और ये बहुत समय से प्लानिंग थी, बट लॉकडाउन की वजह से मेरे ख्याल से सब लोग एकत्र नहीं हो पाए, और आज सब लोग अभी इस समय एक जब खुला तो उन्होंने एक प्लानिंग इस तरीके से की, और आगे जाके हम दूसरे कलाकारों से जानने की कोशिश करेंगे जो भी आर्टिस्ट इसमें इस शो में हैं, उनके अनुभव भी हम उनसे पूछेंगे। तो ये प्रिपरेशन जब चल रहा था तो इसके वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि सब लोग अपने अपने स्थान पे अपने अपने चीज़ों को लेके ये काम कर रहे हैं और इस शो की तैयारी कर रहे हैं, और शो का जो फाइनल वर्क वो स्टूडियो बड़ोदरा जो भी आसपास में जो भी हैं, जैसे आनंद विद्यानगर में जो भी स्टूडेंट्स हैं या आर्टिस्ट हैं अहमदाबाद में, जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग आके देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत काम अभी एग्जिबिट किया गया है वहाँ पे स्पेस स्टूडियो में। तो ये प्रिपरेशन के वीडियोस हैं जो आप देख रहे हैं सर प्लेट को निहारते हुए, इसी का उन्होंने जो स्टोनवेयर में इसी की छाप को लेके उन्होंने काम किया है, और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये उस दिन के ओपनिंग के हैं। ओपनिंग में बहुत सारे लोग मौजूद थे, और ये हम आगे बढ़ते हैं अब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ ज्योत्सनामयम की स्मृति में जो शो का आयोजन किया गया है हम वहाँ हैं, और ये स्पेस सेंटर है बड़ौदा में जो आप पीछे देख सकते हैं, सिरेमिक का एक शो लगा हुआ है। तो जो भी शहर में हैं वो इस शो को ज़रूर देखें, और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे काम हैं जो एक साथ इतने सारे लोगों का पहली बार ये आयोजन हो रहा है, और कोविड के बाद ये ओपन शो हो रहा है, जो कि शहर में जो भी मौजूद हैं वो लोग ज़रूर देखें। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि ज्योति भट्ट सर ने भी इसी कैंप में हिस्सा लिया और हमारे साथ रहते काम किया, तो ये बहुत अच्छा लगा। हाँ गोविंद, ये शो एक साल पहले करीब प्लान हुआ, और रेशमा मैन जहाँ जो ज्योत्सना मैडम काम करते थे उनका स्टूडियो सिरेमिक सेंटर कोरबा BIDC में है, तो वहाँ पर वो ज़्यादातर उसी जगह पे इतने सालों से काम करते थे, तो उनको ऐसा था कि कुछ करना है ज्योत्सना मैडम की याद में। तो फिर तभी राखी काने थी यहाँ पर, तो उसको बुलाया कि ऐसा कुछ करना है, तो राखी बोलती है हाँ चलो करते हैं, क्यों नहीं। और ज्योत्सना मैडम हमेशा कहते थे चलो काम करें ऐसा, तो इसीलिए उनकी याद में वो पहला वाक्य भी चलो काम करिए। okay. और थोड़ा सा कोविड को ध्यान में रख के कम स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं, मतलब वो जानबूझ के किया है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ किसी को परेशानी ना हो, भीड़ भाड़ ना हो उसकी वजह से, तो तभी ये बात हुआ। और फिर सोचा कि कोविड को ध्यान में रखते हैं कब थोड़ा सा खुले और थोड़ा सा फ्री होके सब मिल के काम करें, तो फिर सिरेमिक सेंटर में 15 दिन का ये कैंप था, और भोपाल से कुछ आर्टिस्ट आए, शांपा जी है, फिर ये दीपाली दरोज जी आए, PR दरोज सर को स्पेशल इनवाइट किया था लेकिन वो थान में थोड़ा व्यस्त थे, और यहाँ पर मैं, फिर जायदा है, नेहा है, पंथिनी, विनोद,
सुखदेव को भी बताया गया कि आप तो सब मतलब तैयार हुए, नेहल है, शायद अगर मैं किसी का नाम भूल नहीं हूँ तो मुझे माफ़ कीजिए, पर हम लोग 14 आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट किए और 15 दिन तक बहुत मज़े से काम किया सबने। और रेशमा बेन ने बहुत अच्छे से सबको सभी आर्टिस्ट को मतलब मौका दिया और जो बाहर से आए थे उनके लिए अगर व्यवस्था की सारी और उन्होंने सारा ध्यान रखा। तो ये ओवरऑल सबका मतलब इसमें इतना अच्छा था, अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा जिसकी वजह से ये मतलब डिस्प्ले कर पाए और ये 16 तारीख से शुरू हुआ। ये ज्योत्सना मैम की स्मृति में है। हाँ हाँ, उन्हीं की स्मृति में। तो इसीलिए आर्टिस्ट ने उनकी याद में कैट बनाई, जैसे कि जायदा ने बनाया, मैंने मेमोरी में, मैंने कभी कैट नहीं बनाया पर उनकी मेमोरी में कैट का म्यूरल किया है स्टोनवेयर क्लिनिक्स में। और उन्हीं का जेबी ब्लैक मैट ग्लेज यूज़ किया है और उसका टाइटल मैंने दिया है शेडोज ऑफ कैट। तो मतलब मैडम कैट बनाते थे और वो एज अ शेडो हमारे साथ थे और रहेंगे ऐसा। तो ये सब मतलब उन्हीं की आशीर्वाद से हम सब कर पाए। और रेशमा बेन ने जो सिरामिक सेंटर में जिस तरह से काम करने का फ्रीडम दिया कि जितना क्ले चाहिए जो चाहिए सब आपका है इस्तेमाल करो, तो सबको इसीलिए और भी मजा आया। ओके, थैंक यू। काम हम देख रहे हैं वो ज़ायदा मैम का है। मैम, ये मैम की स्मृति में जो ये एग्जीबिशन रखा गया, इसकी प्लानिंग कब हुई और कैसे आपने इन सारे कामों को इकट्ठे एक साथ इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए? प्लानिंग वर्कशॉप का ऑलमोस्ट मैम के जाने के बाद तुरंत ही किया, क्योंकि हमको कुछ उनको ट्रिब्यूट करना था, उनको श्रद्धांजलि देनी थी और सिरेमिक सेंटर के साथ कुछ करे वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहीं पे मैम काम करते थे और सिरेमिक सेंटर भी उन्हीं के गाइडेंस और हेल्प से बना। तो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसी जगह पे हम काम करें, उन्हीं के मीडियम के साथ हम काम करें, सो दैट दैट इज़ द बेस्ट टू डू टू वर्क। सो शुरुआत तो ऑलमोस्ट एक साल पहले हुई एंड वहाँ से प्लान करके 15-day वर्कशॉप जिसमें हमने सभी उन्हीं के ग्लेजेस को लेके भी काम किया, उन्हीं के मटेरियल से वो जिसमें काम करते थे उसी को यूज़ करके। ओके, थैंक यू। व्यूअर, आपको ये शो कैसा लगा लॉकडाउन के बाद? कैसा ये पहला ऐसा ये है जिसमें सिरेमिक्स और सब सब काम इकट्ठे साथ में मिल रहे हैं देखने को? नहीं, ये एक तो बड़ौदा है, इतने सारे आर्टिस्ट हैं एंड आर्टिस्ट में क्या है कि आर्ट खुदकता रहता है एंड वो दिखाने के इतने सालों से टाइम, 3 साल हो गए हैं, लोगों ने काम ही नहीं देखा है ढंग का। तो ये एक तो बहुत अच्छा काम किया है लोगों ने और सच में लगता है कि मैम का आत्मा घुस गया है लोगों में और इतना अच्छा काम निकला था। एंड ये गैलरी भी इतना सुंदर है ना यार कि देख के मज़ा आ गया। मतलब फर्स्ट जब ये लोग डिस्प्ले कर रहे थे तो हमको तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये काम लॉस्ट हो जाएगा, बट वो एक नया हमको पता चला कि वाइट गैलरी में ही काम अच्छा दिखता है ऐसा नहीं है, ये गैलरी का माहौल भी काम को अच्छा दिखा सकता है। एंड मतलब 2-3 सालों से आँख मतलब तरस गया था काम देखने के लिए, तो ये देख के एंड इतने तरह का काम। तो ये मैम को एक श्रद्धांजलि दी जा रही है इस तरह से कुछ, इससे अच्छा श्रद्धांजलि कुछ भी नहीं हो सकता। एंड मैं तो कहता हूँ कि ये मैम के लिए हर एक साल करना चाहिए। बिल्कुल, इस बार। ओके, थैंक यू। ये सारे लोग सिवाय एक जन यहाँ के हैं, हमारे स्टूडेंट्स रहे और यहाँ काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर से भी आए हैं। ये एक वर्कशॉप होती है उसकी, उसी में किया गया है ज़्यादातर ऐसे काम एक दो छोड़ के। तो उस दिन जब ओपनिंग के दिन इतने भीड़ भड़का था, 2-3 लोगों का काम मुझे छूट गया था, तो आज दोबारा आया हमें और आई एम सो हैप्पी दैट आई केम अगेन बिकॉज दीज थिंग्स रिक्वायर योर कॉन्सेंट्रेशन एंड अखंड मन योग
वो आज दे पाया, इसलिए मैं खुश हूँ और बहुत कुछ मुझे नए देखने को मिला जो पहले दिन छूट गया। तो अगर जो शहर में है उसको जो याद देखना चाहिए, मेरे को ऐसा मन। थैंक यू सर। शो कैसा लगा? बहुत समय बाद ऐसा एक शो देखने को मिला। सिरामिक शो बहुत टाइम के बाद देखने को मिला और ये बहुत 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 अच्छा शो है जो स्टूडेंट लोग को ऐसे सिरामिक के वर्क्स काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिले। तो काफ़ी सारी चीज़ें नेचर रिलेटेड भी है, बर्ड्स एनिमल्स उसके रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर उसमें दिखाई गई। ओके। प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी और ज्योत्सना बहन बहुत बड़े बहुत बड़े प्लेयर का काम किया है। वो हमेशा सिरामिक सेंटर में और स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट में कोलैबोरेशन कर बहुत भूमिका निभाते हैं। वो सबको लेके साथ में चलते हैं। ये सारा काम 15 दिन का है? नहीं, 15 दिन नहीं, कुछ 2-3 काम तो सबके हैं बट थोड़े काम घर से भी लाए। ओके, थैंक यू। पर आपको शो कैसा लगा? बहुत टाइम के बाद सिरेमिक अच्छे काम देखने को मिले, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ हुआ है तो शो में आना भी अच्छा लग रहा है। और जो शहर में हैं वो लोग, सॉरी, शहर में जो लोग हैं वो लोग आके देखना चाहिए ऐसा? हाँ, शहर में जो लोग हैं उनको तो आकर देखना ही चाहिए। सिरेमिक के काम इतने ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है और काफ़ी अच्छा वर्क है तो आकर देखना ही चाहिए। तो जो सिरेमिक सेंटर लाइट एप्लीकेशन है उन लोगों ने सोचा कि ज्योत्सना बहन को कैसे सबसे अच्छे तरीके से मेमोराइज किया जाए एक श्रद्धांजलि के तौर पर, तो उसके हिसाब से सोचा कि उनके स्टूडेंट सब एक साथ में इकट्ठा होकर 15 दिन के लिए काम करें और उनको याद करें। और उसी के हिसाब से क्योंकि तब कोविड टाइम था तब को जब गुजर गए तब को आ नहीं पाया था, साथ एक दूसरे को मिल नहीं पाया था, तो दिस वॉज अ ग्रेट टाइम टू स्पेंड टाइम टुगेदर विद इन द स्टूडेंट। थोड़ा